नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश कवि भारतीय संस्कृति के लिए पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन 21वीं सदी में औलाद अपनी माँ को ही घर से निकाल रही है। जो माँ अपने बेटे के लिए गीले बिस्तर पर सोती थी और उसको खुद सूखे पर सुलाती थी, आज उसी माँ का बेटा अपनी ही माँ को घर से निकाल रहा है। सतयुग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चारधाम की यात्रा कराई थी और यही कलयुग का बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की यात्रा करा रहा है। शहर के वृद्धाश्रम में जब वृद्ध माताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि आजकल के बेटों को अपनी माँ का दर्द नहीं पता। पिपरा गांव की रहने वाली कलावती ने बताया कि दो बेटे घनश्याम व शेर सिंह है। एक साल पहले बहू की वजह से मैंने घर छोड़ दिया और आश्रम चली आई, लेकिन बेटे ने मुझे नहीं रोका। आज मैं बीमार होती हूँ तो आश्रम वाले ही बेटे की तरह मेरी देखभाल करते हैं। बेटा जब जेल में था तो दर्जनों लोगों के हाथ पैर छूकर मैंने उसको जेल से निकलवाया था, वहीं आज हमको वो नहीं जानता है। वहीं नारायणपुर की रहने वाली हंसा देवी ने बताया कि उनके तीन बेटे हैं, लेकिन बेटों की शादी होने के बाद बहू के आगे मेरी कोई इज्जत नहीं होती। दूसरी तरफ पहले जैसा मेरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन बहुओं को काम चाहिए और रोज झगड़ा करती थी। इसी बात से परेशान होकर मैंने घर छोड़ दिया और मैं वृद्धा आश्रम आ गई। राजेश कुमार का कहना है कि आज मातृ दिवस के मौके पर भी उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया। यदि उनका बेटा बताए गए रास्ते पर चलता तो आज इन महिलाओं को इस वृद्धा आश्रम में नहीं रहना पड़ता। छोटे हाथे चले गए, जब हमको बोए नहीं, इन बच्चे ने सेवा करी, यहाँ पे हैं। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जिनके लिए आपने सब कुछ अपना त्यागा, आज वही बच्चे आपको याद नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं करते हैं, दूसरे हैं तो भी नहीं करवाते, क्या करें, घर में हमारे खत्म हो गए। तो कितनी सालों से आप यहाँ रह रही हैं? 9 साल हो गए। 9 महीने पूर्व हो गए। कितने बच्चे? कितने बच्चे? 2 लड़के। किसी कोई लड़का नहीं आपको बुलाने आता है? हाँ, नहीं कोई आता है ना। ये भी नहीं पूछता कैसी माँ है? हाँ, कोई ना, कुछ ना, हमारे ये बच्चे सेवा करते। अब तुम हो बच्चे, बेटियां हैं? बेटी आई है, को हाथी है, खत्म हो गई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पिपर गांव की। आपके नाती नते बच्चे हैं तो आपको अपने साथ नहीं रखते हैं? तो क्या बहुएं खाना नहीं देती हैं लड़के? लड़की तो बने बने घर के। नहीं, बहुएं जो आई हैं वो तो आपको नहीं पूछती? नहीं तो लड़का है, लड़का तो अपनी माँ को पूछना चाहिए ना। नहीं, लड़का क्यों नहीं पूछता? आपने अपने लड़के के लिए जब छोटा होगा तो गीला बिस्तर उस अप लेट गई होगी। ये जिसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, आज वही लड़का आपको इस स्थिति में छोड़े हुए, क्यों? जाने जा तो लड़का जाने, हम तो लड़का से कोई खराब काम करो नहीं है कि तू हमें लड़का छोड़ दे। आज का दिन विश्व मदर्स डे है। हाँ। आज के दिन आपको लड़का देखने के लिए आया? लड़का बुला ले, बस घर रखने के लिए तैयार नहीं है? क्या नाम है आपका? हंसा देवी। आप यहाँ कितने सालों से हैं? हमें 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। आपके बच्चे हैं क्या? आपके बच्चे और लड़के बहू आपको अपने साथ नहीं रखते हैं? साथ रखते, देखो जगह हुआ कम थी, साथ रखते नींद आते ही तो आते भैया। तो क्या परेशान करते हैं? बहुएं रोटी नहीं देती हैं? अब देती हैं, अब अपने बस को रहो ना तो नहीं चले आए, अब काम तो मेरे बस को रहो ना। अच्छा, बहुएं क्या काम मांगते हैं? काम करो। आओपा लड़कों को नहीं दिया आपको, आपके ऊपर लड़का नहीं, आजकल चल दो, आजकल बहू नहीं चल दो तो समय ठीक ना, लड़कों की नहीं चलती है। बेटी है आपकी?
बेटी एक है। वो आती है? हाँ भाई, अबे आती शादी थी भतीजी, तो गाँव तब भतीजी शादी में आती। यहाँ जो वृद्ध महिलाएं आती हैं उनके लिए सामने क्या क्या समस्याएं हैं? उनके सामने यही समस्या है कि बेटे और बहुओं के जब तिरस्कार मिलता है तो वो जो है उनके बेटों से भी मोह माया आ जाता है। अभी जो वृद्धा जिनसे आप मिले थे कलावती, इनकी कल तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बुलाया कि इलाज कराया, तो हमने पूछा मैं आप क्यों रो रही हो, हम लोग तो इतनी सेवा कर रहे हैं आपकी, आप रो क्यों रही हो? तो वो रोने लगी कि मेरे खुशी क्या होगा, जिन जो मेरे अपने हैं उन्होंने हमको दवा नहीं कराई और यहाँ भेज दिया, और आप हमारे लिए दवा ला रहे हो, इंजेक्शन ला रहे हो और मट्ठा पिला रहे हो, तो वो इसलिए रो रही थी। अभी सुबह मैंने उनको उठाया बैठाया, रात में एक बेटा यहाँ से ऊपर ले गया, उठा के लैट्रिन कराया उनको, तब जो है वो इस समय स्वस्थ हैं। अभी वो आपसे इतनी बात भी कर पाए नहीं, जो वो कर भी नहीं पा रही, कल ज़्यादा तो बैठा नहीं। कहीं ना कहीं ये नहीं है कि लोग जो माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखने के बाद भी और उसके बाद बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सच है, तिरस्कार रहे हैं, ऐसा जो है वो कभी सोचा भी नहीं था हम लोग ये बच्चे ऐसा करेंगे, ऐसा व्यवहार अपने माँ बाप माता पिता के साथ करेंगे। राजेश जी, आपने वृद्धा आश्रम क्यों खोला, कैसी प्रणाली मिली, क्या है? हमारे माता पिता से हमको सीख मिली, हमारे माता पिता नहीं रहे तो हम लोग ये सोचते रहे कि किसी को भी कोई भी माँ बाप अपने दुखी ना रहे और उसकी सेवा हम कर सकें।